बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं होममेड रसमलाई की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आएंगी। आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक बाउल में ऐड करेंगे दूध का पाउडर, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कच्चा दूध, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। और अब हम एक वेजल में ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध, और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे शक्कर 1 कप, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रान, और अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकाते जाएंगे इसको। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता और बादाम। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको फ्रिज में कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और अब हम एक बॉल में ऐड करेंगे थोड़ी सी किशमिश, और अब हम इसमें ऐड करें थोड़ा सा खलाखन, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे किशमिश और खलाखन को। और अब हम एक बॉल में ऐड करेंगे दूध, और ये ब्रेड है हम इसके साइड्स कट कर दिए हैं, और इसको इसके अंदर इस तरह डिप करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश और खलाखन इस तरह, और अब हम इसको रसमलाई बनाकर रेडी करके रखेंगे इस तरह। तो आप देख सकते हैं इस तरह बनाने के बाद हम इसके ऊपर रस ऐड करेंगे जो हम फ्रिज करके रखे थे इस तरह। तो आप देख सकते हैं अब हमारी रसमलाई बिल्कुल बनकर तैयार है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद नहीं होगा। आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली नई रेसिपी से, तब तक दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।